हरदोई के कोतवाली देहात इलाके के शाती ठगों ने चार बेरोजगार युवकों से रेलवे व सूचना विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपए ठग लिए। ना तो बेरोजगारों को रोजगार मिला और ना ही रुपए वापस मिले। अब सभी अपने पैसे वापस लेने के लिए दौड़ रहे हैं। सभी ने पुलिस से मामले में कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। एसपी ऑफिस में पुलिस के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची ये बेरोजगार युवा नौकरी दिलाकर रुपए ठगने वाले गिरोह के शिकार हैं। यहां पुलिस के पास पहुंचकर इन लोगों ने जब अपनी बात बताई तो सभी सुनकर सन्न रह गए। दरअसल ये सभी बेरोजगार हैं और उनको कोतवाली देहात इलाके के गोविंद नगर बढ़ेनपुरवा निवासी शिवम शर्मा, मनीष शर्मा, दिव्या सिंह और धनुपुरवा निवासी सतीश शर्मा ने ठगी का शिकार बनाया है। इन लोगों से ठगों ने कई बार करके नगद पैसा लिया और बताया कि जल्द ही सबकी नौकरी लग जाएगी। काफी दिनों तक पीड़ित नौकरी की आस लगाए बैठे रहे, लेकिन जब नौकरी नहीं मिली तो अपने रुपए वापस मांगे। अब इन लोगों का रुपया भी नहीं मिल पा रहा है। नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी के शिकार पीड़ित दर बदर भटक रहे हैं। अब सब पुलिस के पास पहुंचे हैं। सीओ सिटी विजय राणा ने बताया कि प्रकरण में जांच कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं पीड़ितों का कहना है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो उनके पास आत्मदाह करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। लोग सरकारी नौकरी नाम पर ठगी हुई 30 लाख रुपए के चार लोगों के साथ में, उसमें से जिन्होंने ठगी की है वो हैं मनीष शर्मा और शिवम शर्मा और दिव्या सिंह और इन लोगों ने, हम लोगों चार पांच लोगों का गिरोह है जो सामूहिक रूप से हम लोगों के साथ ठगी की है। इसमें से हम एक हिमांशु पांडे हैं, शिवांशु पांडे हैं, नितेश पाल हैं और शिवेंद्र राठौर हैं। इनके साथ इन लोग चार लोगों के साथ में करीब 30 लाख का ठगी हुई है। ये बढ़ेनपुरवा गांव में एक प्रकरण सामने आया जिसमें नौकरी लगवाने के लिए कुछ लोगों को वहां पर पैसे दे दिए गए और उसके बाद उनका कोई भी इस तरीके का प्रकरण सामने नहीं आया है कि उनके नौकरी लगवाने में कहीं हाथ हो सकता है। तो इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है, उस पर जो लीगल कार्रवाई की जा रही है मुकदमा पंजीकृत कराकर आवश्यक कार्रवाई। सर, इसमें कितने रुपयों को ठगी की गई इन लोगों के साथ? अभी ये पूरी बात सामने नहीं आई है। कई लोग हैं उसमें से एक आध आदमी के पैसे, कुछ पैसा वापस भी किया गया है। इसका मतलब प्रमाणित है कि वो लोग उन्होंने कुछ गलत किया है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।